हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का, और आज मेरे पास है बोट का बेसेट्स 100 इन ईयर वायर्ड ईयरफोन्स विद माइक। और ये एक मुंबई इंडियंस एडिशन ईयरफोन है जो खास तौर से मुंबई इंडियंस फैंस के लिए बनाए गए हैं, बिकॉज ऑफ अभी आईपीएल चल रहे हैं। सो ये एक मुंबई इंडियन इंस्पायर्ड ब्लू कलर में आते हैं। ऑलरेडी इस ईयरफोन का व्हाइट और ब्लैक कलर वाला वेरियंट अवेलेबल था। अभी के लिए आगे वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की, स्पेसिफिकेशन की, और वीडियो क्लास में मिलेगा आपको मेरा ओपिनियन। प्राइस में बोट की तरफ से आने वाले ये लिमिटेड एडिशन ईयरफोन्स आपको मिलते हैं, तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन्स रहेंगे या फिर नहीं। कुछ इस तरह के बॉक्स में मिलते हैं बोट मुंबई इंडियंस एडिशन बेसेट्स 100 वायर्ड ईयरफोन, और ये एक लिमिटेड एडिशन ईयरफोन्स है, खास तौर से मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। और बॉक्स के एक साइड में बोट का लोगो, साथ में टैगलाइन प्लग इन टू निर्वाणा, और दूसरे साइड में साउंड ऑफ द चैंपियंस दिया हुआ है। बॉक्स के पीछे आपको कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, साथ में एक कटआउट दिया हुआ है सोनिक डिजाइन में जो कि ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर आपको ईयरफोन्स का डिजाइन दिख जाता है, ये भी सोनिक इंस्पायर्ड है। और बॉक्स के पीछे और भी काफी सारे डिटेल्स दिए गए हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी दिए गए हैं, साथ में कुछ और फीचर्स वगैरह भी बताए गए हैं ईयरफोन्स के। और इन सब के बारे में तो आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, तो अभी के लिए आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। ईयरफोन्स है मेड इन चाइना, लेकिन इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता है और मार्केट में सेल किया जाता है अमेजन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। साथ में यहाँ पर दिया हुआ है एमआरपी जो है 1290 मतलब के 1290 रुपए, लेकिन ईयरफोन्स आपको amazon.in से मिल जाते हैं 399 रुपीज के। बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। अब इस बॉक्स को फटाफट से कर लेते हैं ओपन। तो ऊपर की तरफ कोई सील नहीं है, नीचे की तरफ एक सील है। तो बोर्ड से अगर कोई देख रहा है तो ऊपर भी एक सील लगा कर दे दिया करो तो और ज़्यादा अच्छी बात है, थोड़ा कंफर्मेशन हो जाता है। तो ईयरफोन्स मिलते हैं कुछ इस तरीके से रखे हुए, और यहाँ पर कुछ और सामान भी मिलता है आपको बॉक्स के अंदर से, जहाँ पर कि आपको सबसे पहले मिलता है ये एक छोटा सा कार्ड जिसके ऊपर दिया हुआ है 1 ईयर की मैन्युफैक्चरर वारंटी, साथ में कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स कस्टमर केयर के लिए, साथ में इसके पीछे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो इनको जाकर फॉलो भी कर सकते हैं, मुझे जरूर से फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर आपको एक कैटलॉग मिलता है जहां पर बोट के और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स दिए हुए हैं, और मैंने ऑलरेडी इनमें से कई सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू वीडियोस बनाए हुए हैं अपने इसी चैनल पर, अगर आपको देखने हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपको कोई काम का वीडियो मिल जाए। और नेक्स्ट आपको मिल जाता है एक मुंबई इंडियंस का स्टिकर, और इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट आपको मिल जाते हैं 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के, जो है स्मॉल और लार्ज साइजेस में। मीडियम साइज वाले ईयर टिप्स आपके ईयरफोन्स के ऊपर आपको फिक्स मिलते हैं, और ईयर टिप्स की क्वालिटी की बात तो क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और ईयर टिप्स से लेकर पूरा का पूरा जो ईयरफोन है मुंबई इंडियंस के कलर से इंस्पायर्ड है, मतलब कि ब्लू कलर में है। ईयरफोन्स के डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर जो ईयरबड्स आपको मिलते हैं सोनिक स्टाइल में मिलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, सोनिक एक गेम हुआ करता था, हो सकता है कोई कार्टून भी हो, लेकिन मैंने ये गेम खेला है बहुत पहले जब मैं छोटा था। और इनके डिजाइन की वजह से ये थोड़े से यूनिक लगते हैं इस प्राइस में जितने भी ईयरफोन्स आपको मिलते हैं। और इनकी जो हाउसिंग है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश के साथ में आती है। ईयरबड्स का जो वायर के साथ जोड़ है ये रबर का है, लेफ्ट राइट के सिंबल्स भी इसी के ऊपर दिए हुए हैं। और दोनों ही ईयरबड्स पर आपको नीचे की तरफ एक छोटा सा होल देखने को मिलता है जो कि हाउसिंग के अंदर एयर वेंटिलेशन और बेहतर एकोस्टिक्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ईयरबड्स जो है 45 डिग्री के एंगल पर टिल्टेड है, और मुझे ये जो टिल्टेड वाला डिजाइन है काफी पसंद है, बिकॉज इनको जब आप कानों में लगाएंगे तो आपके कानों से जल्दी से निकलेंगे नहीं, थोड़ा बहुत वर्कआउट वगैरह के दौरान भी इस्तेमाल कर पाएंगे ईयरफोन को। ईयरफोन्स में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक इनलाइन रिमोट दिया गया है, जहाँ पर कि आपकी 2 वायर को 1 वायर में कन्वर्ट करता है ये रिमोट। साथ में यहाँ पर मुंबई इंडियंस का लोगो है, साथ में एक माइक है कॉल्स पर बात करने के लिए, साथ में एक बटन दिया गया है जिसको मल्टीफंक्शनल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल पिक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, साथ में म्यूजिक प्लेबैक के दौरान ट्रैक को पॉज कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। ईयरफोन्स में थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक वेलक्रो दिया हुआ है बोट की ब्रांडिंग के साथ में, जो कि ईयरफोन्स को अरेंज कर रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयरफोन्स के वायर की बात करें तो ये एक राउंडेड वायर है, बेसिक रबराइज वायर है, कोई ब्रेडेड केबल नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ा सा खींच के देखा तो क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लग रही है, मजबूत लग रहा है, लेकिन ज्यादा खींचेंगे तो टूट भी सकता है। बाकी इतना रफली यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको टेंगल फ्री वायर भी नहीं मिल रहा है, तो ईयरफोन्स आपके उलझ भी सकते हैं। सो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सुलझ जाते हैं बहुत आराम से। और वायर की लेंथ है 1.2 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जींस की पॉकेट में डालिए या फिर अपने बैग में, और बड़े आराम से आप म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। और ईयरफोन के एक एंड पर मिलता है आपको एक 3.5
5mm वाला पिन जो कि गोल्ड प्लेटेड है, साथ में इसके ऊपर आपको बोट की ब्रांडिंग दी गई है जो कि रबराइज मटेरियल के ऊपर है। और इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन है ये सीधा वाला, मतलब कि स्ट्रेट डिज़ाइन है, एल शेप नहीं है। सो जीन्स की पॉकेट में डालकर हो सकता है किसी को इस्तेमाल करने में दिक्कत हो, मुझे पर्सनली एल शेप ज़्यादा पसंद है। और ईयरफोन्स के अंदर आपको मिलता है 10mm का ड्राइवर यूनिट जिसका फ्रिक्वेंसी रेंज है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़, और इसके जरिए आपको मिलेगा सुपर एक्स्ट्रा बेस ऐसा कहना है बोट का। तो ओवरऑल बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो प्राइस के हिसाब से अच्छी है और स्पेशली मुंबई इंडियंस फैंस के लिए है, तो अगर आप मुंबई इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं तो जरूर से आपको ये ईयरफोन पसंद आएंगे। और अब बात करें इसके साउंड आउटपुट की तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लें इन ईयरफोन्स के थ्रू मिलने वाले साउंड आउटपुट को, बाकी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली मैं बात करूँ इन ईयरफोन्स के साउंड आउटपुट के बारे में, तो जो साउंड आउटपुट मिलता है आपको इन ईयरफोन्स से वो काफ़ी ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है, बेस अच्छा है, ट्रबल भी काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। 100% तक के वॉल्यूम पर आपको बेस में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं इतना ज़्यादा ट्रबल सुनने को मिलता है जिससे कि आपको सुनने में दिक्कत हो। साथ में एकोस्टिक्स और जो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के जो साउंड होते हैं आपको म्यूजिक के दौरान काफ़ी अच्छे से सुनने को मिल जाते हैं। ईयरबड्स की ये जो टिल्टेड डिज़ाइन और सॉफ्ट ईयर टिप्स की वजह से आप लगातार 2-3 घंटे भी ईयरफोन्स को इस्तेमाल करेंगे, पूरी मूवी भी अगर देखेंगे तब भी आपको कोई पेन वेन की दिक्कत नहीं होगी। साथ में कान में काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं तो बैकग्राउंड का जो नॉइस है वो भी काफी ज्यादा कट हो जाता है। म्यूजिक के दौरान तो काफी अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। सो पबजी के लिए या फिर गेमिंग के लिए तो इतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करिएगा, कोई अच्छे ईयरफोन गेमिंग के लिए अलग से खरीद सकते हैं। म्यूजिक के दौरान काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इन ईयरफोन से, साथ में कॉलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां भी क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। माइक की बात करूं तो कैसे काम करता है एक बार मैं आपको चेक करा देता हूं। अभी के लिए जो माइक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो है बोया का M1 और इसी को मैं जनरली वीडियोस में इस्तेमाल करता हूं जब भी फेस रिकॉर्ड करता हूं। और अभी मैं स्विच करता हूं ईयरफोन्स के माइक पर तो आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह की क्वालिटी मिलेगी आपको। माइक स्विच कर दिया है, अब बताइएगा नीचे कमेंट में कैसी क्वालिटी आपको लग रही है। और कुछ चेक करना है तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो उम्मीद करता हूं आपको अंदाजा लग चुका होगा किस तरह की क्वालिटी मिलेगी आपको ईयरफोन्स के माइक से। सो ओवरऑल देखा जाए तो 399 रुपीज में आपको जो ईयरफोन मिल रहे हैं मेरे तरफ से तो एक पिक है, खासतौर से मुंबई इंडियंस फैन है तो जरूर से खरीद सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर से दबा दीजिएगा, शेयर आपके हाथ में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।